ठाकुर के भक्तों से तो यही कहेंगे, तुम्हें तो प्रतिदिन रात्रि 12 बजे जन्माष्टमी मनानी चाहिए। सच्चा पागल कन्हैया का तो वही है जो प्रतिदिन ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनाता, प्रतिदिन। राम जी के भगत को प्रतिदिन रामनवमी दिन में 12 बजे मनानी चाहिए, क्योंकि राम जी दिन में 12 बजे प्रकट भए, कन्हैया जी रात को 12 बजे प्रकट भए। तो कर्षयति कृष्ण, हां, जो पूरे विश्व को खींचे वो कृष्ण। सामंजस्य अद्भुत, इनका एक नाम है योग योगेश्वर। क्या नाम है? योग योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर। योगी मतलब जो भोगी का बाप है। भोगी कौन? हम आप, जिनमें वासना है, जिनमें काम गंध है। और भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, फिर भी आपको प्रमाण पत्र योगी योगेश्वर का है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने विवाह तो किए पर वासना में नहीं, उपासना में किए। नारद भक्ति सूत्र में जवाब आया, अनिवर्चनीयं प्रेम स्वरूपं मूका स्वादन मत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितं कामना रहितं प्रतिछड़ वर्धनानं विच्छन्नं सूक्ष्म तनुमौभव रूपं तत्प्राप्त देवालोकयति तदेव श्रुणोति तदेव चिन्तयति। जैसे गूंगा व्यक्ति फल का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही हमारे ठाकुर के प्रेम की वार्ता ठाकुर के बारे में कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। ठाकुर के प्रेम की कोई व्याख्या नहीं। हमारे ठाकुर जी योग योगेश्वर हैं। 16,108 विवाह के बाद हम लोग एक विवाह में विचलित हो जाते हैं। जिसकी शादी हो गई उससे पूछो दिल की धड़कन कैसी है, हार्ट बीट ठीक चल रही? तो वो कहेगा महाराज बाहर तो बढ़िया चलती है, भीतर प्रवेश करते ही हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्स रेट। हाँ, बाहर कोई कितना बड़ा सहनसाय बना रहे, भीतर जाते ही लुगाई के चक्कर में एकदम सीताराम। कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी एकदम हो, लेकिन लुगाई के सामने सब जीरो। आप ये मत सोचना कि गुरुजी लुगाई के ग्रंथ पे बहुत ज्यादा क्यों जानते हैं, तुम्हारा ही अनुभव तुम्हें बताते रहते हैं, तो तुम्हारा अनुभव है। लेकिन ठाकुर जी का देखना, भगवान ने विवाह तो किए पर स्त्रियों से नहीं, वेद की ऋचाओं से भगवान ने 16,108 विवाह किए।